अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम चो, कसा का, हेलो एंड वेलकम, वनकम, राहित फकीर मोहम्मद सोलगर, आप सबका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया, टाइटल भी देख लिया, तो आपको पता ही चल गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी, हम लोग आज विशालगढ़ जा रहे हैं। विशालगढ़ हमारे गाँव से 107 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ऐसा मैप शो कर रहा है, हमारे गाँव कातली गाँव से। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं, सफर की शुरुआत हम लोगों ने 8:50 से यहाँ से की है। साथ में मेरे अम्मी है, साथ में खाला है, तीनों ही जा रहे हैं हम लोग विशालगढ़। सो चलो चलते हैं एंड मिलते हैं, सफर में बने रहे, जितना मेरे से होगा उतना आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। सो चलो। 8:55 पर हम लोग आए हैं कात्रा देवी वाड़ी, और ये सुबह के कुछ सीन इस प्रकार है कात्रा देवी वाड़ी के। यहाँ पर एक छोटा सा मच्छी मार्केट है। सो अभी हम लोग आ चुके डोंगर टीटा, ये चार रस्ते, उर्स वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, राइट लेते हतीवले, लेफ्ट लेते जैतापुर, सीधा जाते राजापुर। चलो राजापुर। सो अभी हम लोग डोंगर गांव में आ चुके हैं, यहाँ से लेफ्ट लेना है मुंबई, राइट लेंगे तो पंजीम, गोवा, मुंबई गोवा हाईवे है ये। सो देखो, यहाँ से अगर आगे से जाते हैं ना, तो ये हमारा राजापुर का जो नया ब्रिज है ना, मुंबई गोवा हाईवे का सबसे ऊँचा ब्रिज वो ये है, जिसपे से अभी हम लोग जा रहे हैं। अम्मी और खाला ने ये पहली बार देखे ब्रिज, नहीं ना, यहाँ से आप लोगों को जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो राजापुर गांव है, राजापुर शहर है। सो ये जो नया ब्रिज है, सो कितने लोगों ने ये ब्रिज पे से ट्रैवल किए है जरूर कमेंट करके बताना। लोग जाएंगे पेट्रोल भरवाएंगे, ये राजापुर का पेट्रोल पंप है। टाइम हो रहा है 9:30, स्लो आए, थोड़ा आराम से आए हम लोग। सिमियान काजी वहां पर वेट कर रहा है स्प्लेंडर से। सिमियान से हम लोगों ने मंगाया था माउंट। ओ देखो, वहां पर सिमियान नींद से उठ के आया है। क्या बोलते भाई, गुड मॉर्निंग। 6 बजे का बोलकर 8 बजे आए। अच्छे सिर्फ सिमियान, चलो अल्लाह हाफिज। समझ गया। हाँ हाँ, अभी हम लोग राजापुर से निकले तो पहले हम लोगों का इरादा बना था कि हम लोग जाने वाले थे अनुस्कुरा घाट से, बट अभी हमें जाना पड़ेगा अंबा घाट से, साकरपा से जाना पड़ेगा। सो देखते हैं अभी कैसा क्या होता है, तो सफर में बने रहे इंशाल्लाह। राजापुर के आगे अभी हम लोग निकल चुके हैं। राजापुर हमारे गाँव से पड़ता है 30 किलोमीटर, सिमियान के घर के यहाँ तक, मतलब पेट्रोल पंप के आगे तक। देखो अभी हम लोग ओनी के यहाँ पर आए, अगर लेफ्ट मारते तो ओनी और सीधा जाते तो मुंबई, तो हमें यहाँ से पहले तो जाना है लांजा। और ये अभी जो मुंबई गोवा हाईवे का जो काम हुआ है ना, वो वाकई में काबिल तारीफ है। ये लांजा वाला रोड बहुत ही, मतलब एक अलग सा सुकून मिलता है जब यहाँ पर आप लोग गाड़ी चलाते हो। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लांजा में। लांजा में हम लोग 10:08 में पहुँच चुके हैं। स्कूल के बच्चे, सो ये लांजा सिटी, लांजा शहर। सो अभी ये देखो, दाबोल, साकरपा, मलकापुर, कोलापुर। सो ये वाले जैसे आप लोग लांजा छोड़ते हैं ना, आप लोगों को यहाँ से राइट लेना है, तो हम लोग भी राइट लेंगे और साकरपा वाले रोड पे जाएंगे। अभी यहाँ से विशालगढ़ 64 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। रोड की कंडीशन अभी तक तो हाल फिलहाल अच्छी लग रही है, अब देखते हैं। वाला रोड है ना, ये आजू बाजू ग्रीनरी, झाड़ है और ऊपर आसमान ऐसा है और नीचे रोड अच्छा है, तो क्या ही बात है।
तो अच्छा ही लगता है। देखो आप लोगों को सफर का एहसास नहीं होगा, अभी मैंने अम्मी से खाला से पूछा, इन लोग बोल रहे कि कभी आए, समझा ही नहीं। सो ऐसा कुछ रोड है, साकरबा के पीछे मैत्री पार्क है। यहाँ पर अम्मी और खाला हम लोग तीनों रुक के यहाँ पर नाश्ता करे है, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। देखते हैं वो साकरबा के एक किलोमीटर पीछे ये होटल है, यहाँ पर आप लोगों को नाश्ता खाना दोनों मिल जाएगा। और यहाँ का जो स्पेशल है नाश्ते में वो मिसल है। सो आज हम लोग मिसल ही खाने वाले हैं। मेरा 11 बज रहा है और अम्मी खाला और मैं आ जाओ सारे। तो यहाँ से निकल रहे हैं मैत्री पार्क से, आधा घंटा रुके हम लोग यहाँ पर, एक मॉन्स्टर लिया, वो मैंने रेडबुल नहीं मिला यहाँ पर, तो यहाँ से निकल कर चलते चलो। यहाँ के ड्राइवर ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं मेरे को, अब्बा पहले भी बोलते थे कि अगर तुमने कोल्हापुर में गाड़ी चला ली ना तो तुमने कहीं भी गाड़ी चला ली, ऐसे मेरे को अब्बा बोलते थे। वो क्यों बोलते थे वो अभी पता चला भाई। आज मौसम ने जो साथ दिया है ना अब तक, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। ऐसा लग रहा ही नहीं कि बारिश का टाइम जा रहे हैं ना अम्मी। हाँ। ऐसा लग रहा ही नहीं कि हम लोग बारिश का टाइम है। देखो ये साइड में आते ना आप लोग, सुबह बारिश देख के खाला बोल रहे थे जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। हाँ खाला मतलब सुबह में बोल रही थी, खाला ना सुबह 5:30 से रेडी होके बैठे थे, बट बारिश थी तो खाला को ऐसा लगा कि नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, एक बार अगर नेक इरादा कर लिया तो जाना ही है। से आगे आने के बाद अंबा 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अंबा घाट मतलब आज से 10 साल पहले जब हम लोग विशालगढ़ गए थे तब गया था मैं, उसके बाद से मैंने कभी अंबा घाट नहीं गया। एक बार मैं कोल्हापुर गया था तो अनुस्कुरा घाट से गया था, जब मैं कमेंट्री के लिए गया था, बट अंबा घाट नहीं गया था। अंबा घाट को सिर्फ नाम से सुना था। आज 10 साल बाद इंशाल्लाह फिर एक बार देखूंगा कैसा है क्या है। यहाँ से मिरज 128 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पीछे एक चेक पोस्ट गया, और कोल्हापुर 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ से। देखते तब तक आप लोग सफर के मजे लो, मेरे लिए भी ये पूरा नया रास्ता है इसलिए मैं आराम 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 से चल रहा हूं। ऐसा व्यू ये सफर अगर आप लोगों को अब तक पसंद आ रहा तो जरूर कमेंट करके बताना। देखो आप लोग कहते कि लद्दाख आना चाहिए, भाई ये व्यू देख के मेरे को लद्दाख की याद आ गई। सो अभी हम लोग ये अंबा घाट पे हैं, अंबा घाट चढ़ते चढ़ते अगर आप लोग रुकते हैं, रुकने के बाद अगर आप लोग देखते तो देखने के खोलते तो स्वाद ही अलग मिलेगा। आप लोगों को एक अलग ही सुकून है पहाड़ों के ऊपर से ये व्यू देखने का, नज़ारे ही अलग है, स्वाद ही अलग है। किलोमीटर के डिस्टेंस पे अंबा है। 2012 में हम लोग विशालगढ़ आए थे जब अबरार मामू भी थे, हमारी फैमिली थी, और पहले अक्सर हमारे गांव से निकलते थे विशालगढ़ जाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने इरादा बनाया, अम्मी मैं खाला ने के जाते और अब्बा ने भी बोल के रखे थे ना। हाँ, और अब्बा ने भी बोल के रखे थे कि जब भी हम गाड़ी लेंगे तो हम विशालगढ़ जरूर जाएंगे अपने गाड़ी से। सो आज हम लोग विशालगढ़ जा रहे हैं, और यहाँ से विशालगढ़ है 21 किलोमीटर, जो यहाँ से राइट लेना है, आगे से राइट विशालगढ़। अंबा आने के बाद यहाँ से आप लोगों को राइट लेना है, यहाँ राइट में विशालगढ़ पड़ता है। और पहले जब हम आए थे ना, यहाँ का रोड है ना बहुत ही ज्यादा खराब था, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को।
और अभी यहाँ पर मैंने पूछा कुछ लोगों से तो बोले रोड का कोई टेंशन नहीं, और आप लोगों को आप लोग देख भी सकते कि रोड का काम अभी यहाँ पर हुआ है। MH09 रात में आएंगे तो यहाँ पर फोर व्हीलर हो तो सेफ है, टू व्हीलर पे अगर आप लोग आते हैं तो ये मुझे थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा है। अपा यहाँ पे टू व्हीलर से भी आए हैं विशालगढ़ में, तो हमें विशालगढ़ जाते जाते यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट दिखा कोकण दर्शन पॉइंट, तो यहाँ पर आके आप लोगों को भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा। देखो बहुत ही प्यारा व्यू है, यहाँ से अलग ही स्वाद है। आप लोगों को एक खूबसूरत सा ऐसा व्यू दिखाया कि यहाँ से हम लोग निकलते हैं आगे। लद्दाख जाने से पहले आप लोग एक बार विशालगढ़ जरूर आना। हम लोग बारिश के टाइम में बारिश का व्यू देखने के लिए आए थे, बट हमें सुबह से धूप ही मिली है। ये देखो तक बारिश नहीं थी और हल्की हल्की बरसात की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर एक मंदिर है, टॉप थांबा यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं विशालगढ़, यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और ये वसूली नाका है। यहाँ पर पर्सन अगर देखा जाए तो 3-6 रुपया है। यहाँ पर अभी ये पार्किंग के लिए जगह है, पे एंड पार्क। यहाँ पर अभी हम लोग अपनी कार पार्क करेंगे। यहाँ पर ऐसा सेफ पार्क होता है। लोगों ने कार अपनी यहाँ पर पार्क कर दी है, पे एंड पार्क है। यहाँ पर वन डे रिटर्न है, शाम में जाने वाले, 100 रुपया पार्किंग का है। और अभी पहाड़ों के ऊपर है और फॉग दिख रहा है। देखो आप लोगों को, अभी हम लोग विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। 8:50 को हम लोगों ने अपने सफ़र की शुरुआत की थी और 1 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं दिल्ली विशालगढ़। यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे, पार्किंग के लिए अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पर विशालगढ़ बोलापो सेंटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, जो जगह का नाम है वही जगह का यहाँ पर ये होटल है। अभी यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये जो पुराना वाला रोड है यहाँ से पहले जाते थे, बट हम लोग जो ब्रिज बना है वहाँ से जाएंगे। सब बड़ी गाड़ी के लिए पार्किंग है एंड यहाँ से ये जो ब्रिज बना है यहाँ से हम लोग जाएंगे।